बाय। अच्छा जाओ बाय तो बोलो, बाय तो कह दो। ध्यान से जाना, हैप्पी जर्नी, है ना। बच्चों के साथ एक एक दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। छोटे छोटे दिन एक बड़े बड़े सेलिब्रेशन की तरह हो जाते हैं, और जब बड़े सेलिब्रेशन के मोमेंट आते हैं तब तो भाई पूछो ही मत। तो चीकू के साथ हमारा एक और सेलिब्रेशन हो रहा है, और आज है चीकू के नाना का बर्थडे। Hi everyone, I am Abha and you are watching Happy Mommy Vlogs. So, कैसे हो आप सब लोग? I'm sure आप सब लोग अच्छे से होंगे और हमारे vlogs and videos भी enjoy कर रहे होंगे। और अगर आप यहाँ पर first time viewer हैं तो channel को subscribe कर लो, bell icon on कर लो, जिससे आपको सारे important और informative एंटरटेनिंग वीडियोस एंड ब्लॉग्स के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाएंगे। So, आज हम बात करने वाले हैं रेडीमेड स्वैडल एंड स्वैडल रैप के बारे में। काफी दिनों से आपने पूछा हुआ था कि कैसा होता है जो रेडीमेड स्वैडल होता है, जो रैप होता है, और इसे कैसे यूज करना है, वर्थ बाय है या नहीं है, यूजफुल है या नहीं। सो न्यू बॉर्न बेबी शॉपिंग हॉल में मैंने आपको दिखाया था ये चारों स्वैडल जो कि मैंने परचेज किए थे अपने बेबी के लिए, होने वाले बेबी के लिए। अब बेबी हो गई है, 2 महीने की होने वाली है, और मैंने ये चारों स्वैडल बहुत यूज किए। स्वेडल या तो इस तरीके का होता है रेडीमेड वाला जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, मतलब अब दिखा रही हूँ, ऐसा स्वेडल होता है, इस तरीके का जो स्वेडल होता है, और या फिर होता है इस तरीके का कपड़ा मसलन फैब्रिक होता है स्वेडल रैप, जिसमें कि आपको बेबी को रैप करना होता है। तो जो लोग रैप करने की टेक्निक नहीं जानते हैं, रैप नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बनाया हुआ है ये रेडीमेड स्वेडल जो कि इस तरीके का होता है। ऐसा कपड़ा होता है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक रहता है, पूरा अच्छे से बनाया है, डिजाइन किया हुआ है, स्टिकर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वेलक्रो दिए हुए हैं, सॉफ्ट है, कोजी है, कंफर्टेबल है, बच्चे को बहुत आराम मिलता है, और इसमें आप बच्चे को डाल करके इसे रैप कर सकते हो। ये दो आप देख रहे हैं, ये बेबी हक का है ये स्वेडल, यानी कि जो रेडीमेड स्वेडल है रैप है। और इसके बाद ये वाला, दिस वन एंड ये वाला, ये मैंने परचेज किया है अमेजोन से आप बेबी चेरी ब्रांड से। तो ये दोनों ही काफी अच्छे, दोनों का मटेरियल बहुत अच्छा, दोनों अलग अलग वेबसाइट से परचेज किए हैं, और दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसे यूज करने के बाद में। तरीके का एक कपड़ा होता है, कुछ ऐसा बनाया होता है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको वेलक्रो मिल जाता है टक करने के लिए, ये वेलक्रो मिलता है। नीचे ये जो बैग आप देख रहे हैं इसमें आपको बेबी को डालना होता है, इस बैग के अंदर आप बेबी को डाल सकते हो, यहाँ बेबी का पैर आ जाता है, ये वेस्ट पे आता है ये वाला कपड़ा, और यहाँ पर भी आपको मिलता है ये वेलक्रो। इसे ओपन कर लीजिए आप कुछ इस तरीके से, ऐसे ओपन करा बेबी को, इसको आपने इसमें डाला, सामने से लेकर के गए और दूसरे साइड की आर्म के पीछे से इसे लेकर के जाना है, और दूसरी तरफ का जो कपड़ा है इसे सामने लेकर के आना है, और बिल्कुल इस तरीके से आपको इसे यहाँ पर स्टिक कर देना है ना, इस तरीके से स्टिक कर दिया, यहाँ नीचे भी ये स्टिक हो जाता है अपने आप ही, ये कवर हो जाता है, तो बीबी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि क्या पहना दिया क्या बांध दिया, उसे बहुत कोजी और कंफर्टेबल लगता है। स्पेशली स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं ना, उसमें आप जरूर इस स्वेडल का यूज करिए। अगर आपको ये कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्वेडल क्लॉथ का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप क्लॉथ नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके के स्वेडल का यूज कर सकते हैं। दोनों ही स्वेडल काफी जरूरी होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, और मुझे इसे काफी ज्यादा फायदा मिला, इसलिए मैं तो जरूर इसे रिकमेंड करूंगी। अब स्वेडल करने से क्या होता है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं बेबी हमारी लाइफ में आया है, उसके लिए ये जो पूरा एटमोसफेयर है, पूरी सराउंडिंग जो है वो एकदम न्यू है ना, उसे टाइम लगता है इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने में, अडॉप्ट करने में, और धीरे धीरे बेबी जो हमारा आसपास का जो माहौल है उसमें ढल जाता है। लेकिन फर्स्ट 30 डेज में वो उसी फीलिंग के साथ में बड़ा होता है या रहता है,
जिस फीलिंग के साथ वो मदर के वॉर्म में था। और बर्थ के पहले बेबी मदर के वॉर्म में होते हैं, एक कोजी से एनवायरमेंट में रहते हैं, काफी सिकुड़े हुए से होते हैं और उन्हें उसी जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी आदत रहती है, उसी तरीके से रहने की उनकी आदत होती है और वो उसी तरीके से कंफर्ट फील कर पाते हैं। जब आप उन्हें नॉर्मल तरीके से ट्रीट करोगे शुरुआत के दिनों में तो वो चिड़चिड़ करेंगे, वो रोने लगेंगे, वो परेशान हो जाएंगे और उन्हें नींद नहीं आएगी क्योंकि उनको सुकून नहीं मिलेगा। तो उन्हें सुकून फील कराने के लिए उन्हें स्ट्रगल किया जाता है जिससे कि बेबी को आराम मिलता है, बिल्कुल एक मदर की टच वाली फीलिंग आती है, वही वार्म वाली फीलिंग आती है, वही कोजी एटमॉस्फेयर मिलता है और उन्हें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, उनकी बॉडी को बहुत आराम मिलता है, इसलिए स्वेडल किया जाता है। बेबीज को स्वेडल कैसे करना है इस बारे में आपको कई सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे एंड ऑल्सो इस वीडियो में भी मैं शेयर कर दूंगी कि मैं चीकू को किस तरीके से स्वेडल करती हूँ। अब रेडीमेड स्वेडल का जो प्राइस रेंज है ये भी बहुत अफोर्डेबल होता है, ये आपको 300 से 500 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्राई पे आपको 400 to 500 रुपीज के रेंज में मिल जाएंगे एंड अमेजोन पे ये आपको 300 to 400 रुपीज के रेंज मिल जाएंगे। तो अपने नीड के हिसाब से कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो स्वेडल के बारे में एक क्वेश्चन और था कि बेबी को स्वेडल हमें कब से शुरू करना है और कब तक करना है। तो आप बेबीज को जो स्वेडलिंग है वो डे वन से कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में सोते समय कर सकते हैं, जिस भी टाइम आप करना चाहते हैं। हम प्रेफर करते थे कि दिन में एक बार करो और उसके बाद फिर रात में सोते समय हम एक बार स्वेडल करते थे जिससे कि बेबी को नींद बहुत अच्छी आती थी और उसे बहुत आराम मिलता था। ये चीज जो थी ये पैटर्न हमने 30 डेज तक फॉलो किया और अब हम बेबी को स्वेडल नहीं कर रहे हैं। हमारी बेबी अभी 2 मंथ्स की हो चुकी है और इसने बाहर की इस एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और नॉर्मली भी वो सो लेती है तो अब उसे स्वेडल की नीड नहीं होती है। चीकू अच्छा लग रहा है ना बेबी? हेलो फोन रख देती हूँ तो आपको आपका सब कुछ दिखाई देगा। समझ लो खा रही है और उसको तंग कर रहे हैं। हम नहीं देते हमको कोई, हमको सोने नहीं देता है। बताओ काजल का निशान पता? इनको देखो यार, छोटू बेबी की कॉपी कर रही हूँ। टीका दिखाओ अपना, ये देखो ये देखो इनको टीका, इनका टीका देखो और इनका देखो, तुम हद मचाई हो इनका तो। और यहाँ ऊपर वाला तो दिखा दो, ऊपर वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये देखो। और बेबी को हंसी आ गई, ठीक हो जाएगा। मेरा बेबी, मेरा बेबी। चीकू, हाँ, यस यस, वेरी नाइस। दो बार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुको लगा रहे हैं। का बर्थडे था और चीकू के साथ में उसके नाना का ये पहला बर्थडे था तो डे तो स्पेशल था ही। और यहाँ पर नाना नातिन के बहुत ही क्यूट क्यूट से मोमेंट थे जो मैंने कैप्चर कर लिए फोन पे। बहुत स्पेशल डे था। रहेगा बता दो कहीं, तो आपको आने दीजिए।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग 14th of August और हम जा रहे हैं आज सबके साथ में मॉल। करोगे करो। कशु चिकू कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घर से बाहर निकले हैं बड़े दिन। बेबी से बात करना। तुमको बेबी से बात करना अभी अलाउड नहीं है। सामने देखो पहले, सामने देखो। तब तक बजरंग बली से गणेश जी से चलो। एंड हम मूवी देखने जा रहे हैं और एक नई मूवी रिलीज हुई है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का टाइम भी था, पापा का बर्थडे था और पापा चले जाएंगे, मतलब मम्मी पापा सब चले जाएंगे, अभी 16 को जाने वाले हैं तो बहुत खाली खाली सा लगेगा। तो बस उनके साथ मैं सारा मोमेंट इन्जॉय करना चाहती थी और मुझे अच्छा लग रहा था। और अभी सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बोला भी है कि मैं बाहर जा सकती हूँ। ऑल दो चीकू के साथ में मूवी थिएटर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकता है, लेट्स सी कि क्या होता है आगे। अब ये तो मूवी थिएटर में जाने के बाद और आने के बाद पता चलेगा। एनीवेज मैंने फॉर द सेफ साइड चीकू के कान को पैक करके रखा है, कॉटन लगा दी है और ऊपर से कैप पहना दिया है, तो एसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्योंकि साउंड ज़्यादा होती है तो कॉटन से जो साउंड होती है तेज़ वाली, वो उससे उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुम्हारी पहली मॉल विजिट है, चले ट्राई कलर दिखा झंडे की वही लगाया है डिजिटल। इस बार का इंडिपेंडेंस डे बहुत खास रहा और इस बार हर घर तिरंगा जो अभियान है वो चल रहा है, तो भाई घर घर तिरंगा है तो हमने भी तिरंगा लगाया घर पर। आप लोगों ने पूछा था इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एपिसियोटमी जो मुझे हुई थी स्टिचेस पे लगाने के लिए, मुझे ये ऑइंटमेंट दिया गया था और ये काफी सही रहा। अच्छा नहीं लग रहा है घर में, बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं।